हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सके। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज मिलती रहती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरे और भी नए नए चैनल्स हैं अगर उनके बारे में आपको जानना है और उन पे जाके वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां पे फॉलो कर लीजिए। टेक्निकल चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी, मैकेनिकल चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी, और कार के बारे में भी सीखने को मिलेगा। नई नई गाड़ियां हैं, जैसे कि किस गाड़ी को आपको परचेज करना चाहिए, आपका बजट क्या है, किस आपके बजट में कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी, किसका मेंटेनेंस बेटर है, माइलेज बेटर है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सभी के काम आने वाला है, जिनको कार चलानी आती है उनके लिए भी और जिनको नहीं आती उनके लिए भी। और अगर आपको किसी भी रिलेटेड में मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ जिनेश्वर पार्क के जस्ट सामने, जो फ्लाईओवर है क्रॉसिंग वाला, मैं वहां पे खड़ा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि फ्लाईओवर के ऊपर जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, कई बार कोई कार खराब हो जाए या कुछ कोई ऐसा इश्यू हो जाए जहां पे गाड़ी खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी को रोक रोक कर चलाना पड़ता है। प्लेन रोड पे कार चलाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन में हमें कार को रोक रोक कर चलाना होता है तो ऐसे में हमें कैसे क्या करना है कि कार हमारी पीछे ना जाए। और अगर आपका हैंडब्रेक भी काम नहीं कर रहा है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे हैंडब्रेक लगा रखा है, लेकिन अगर आपका हैंडब्रेक काम ही नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कार में हैंडब्रेक, हालांकि हैंडब्रेक वर्क कर रहा है, लास्ट में मैं हैंडब्रेक के बारे में ही बता दूंगा, बट आप सपोज करो इसमें हैंडब्रेक वर्क नहीं कर रहा है और आपको बिना ब्रेक लगाए इस फ्लाईओवर पे मैं आपको कार को पूरा चढ़ा के दिखा दूंगा, बिना ब्रेक लगाए, बिना एक्सेलेटर के कार को रोक रोक कर चला के आपको दिखाऊंगा, जिससे कि बिना एक्सेलेटर के और बिना ब्रेक के गाड़ी चलेगी। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का इंजन मेरी ऑन है और अभी गाड़ी खड़ी है फ्लाईओवर पे, मैंने हैंडब्रेक डाल रखा था ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना है, मैंने हैंडब्रेक को अनलॉक कर दिया, राइट वाले पैर से मैंने ब्रेक दबा लिया और हैंडब्रेक को अनलॉक कर दिया। अब दोस्तों मैंने डाल दिया पहला गियर। सबसे पहले तो क्या करना है, मैंने चारों इंडिकेटर डाल दिए, इसको बोलते हैं हजारों स्विच, आने जाने वाली गाड़ियों को ये श्योर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि इस गाड़ी में कोई एक्टिविटी हो रही है, या तो ये गाड़ी खराब है, या तो इसमें कोई इश्यू है, या तो कोई बंदा सीख रहा है, तो हमें वो बिना डिस्टर्ब करे साइड से निकल जाएगा। तो अभी मैंने क्या करा, पूरा क्लच लेके ब्रेक ले रखा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने धीरे धीरे क्लच को हाफ रिलीज किया है, इंजन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, उसने इंजन को वाइब्रेट कर रहा है। अब मैंने ये ब्रेक से पैर हटाया और गाड़ी मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। अब मैं ब्रेक को प्रॉपर ही हटा ले रहा हूं, मैंने फिर थोड़ा सा हल्का सा क्लच दबा लिया, ये देखो पूरा नहीं दबाया, मैंने हल्का क्लच दबाया, ये आप देख रहे गाड़ी होल्ड हो गई है, गाड़ी होल्ड हो गई, मैंने ना ब्रेक लिया ना यहाँ पे हैंडब्रेक लिया, आप देख सकते हैं ना यहाँ हैंडब्रेक लिया और गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर है, गाड़ी क्लच पे ही होल्ड है और मैंने ब्रेक नहीं लिया है, आप देख रहे ब्रेक वाला पैर मेरा साइड में है ये, और मैं फिर इसको यहीं से मूव करूंगा, मैंने बिना एक्सेलेटर के, बिना हैंडब्रेक के और बिना उसकी गाड़ी को बढ़ा दिया, फिर मैंने गाड़ी को फिर होल्ड कर दिया, मैं ब्रेक ही नहीं यूज कर रहा हूँ पूरे इस पैटर्न में, मैं आपको ब्रेक को यूज नहीं कर दिखाऊंगा। फिर गाड़ी मेरी रुक गई है, फिर मैं जो गाड़ी को मूव करना, फिर मैंने क्लच को रिलीज किया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं कितना ऊंचा फ्लाईओवर है। तो आप सभी को इस वीडियोस के जरिए से मैं एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि आप क्लच को अगर समझ लेते, क्लच पे आपका तगड़ा वाला कंट्रोल है, कमांड, तो आप एकदम नैनीताल वाले एरिए में, चोटी वाले एरिए पे गाड़ी को बिना एक्सेलेटर और बिना ब्रेक के कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक लगाने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, बिना ब्रेक के गाड़ी पूरी रुक रही है। अभी देखो गाड़ी को मुझे फिर रोकना है, मैंने थोड़ा सा क्लच यूज किया, थोड़ा सा, पूरा क्लच नहीं दबाया, पूरा क्लच दबाऊंगा, ये देखो मैंने थोड़ा सा क्लच यूज किया है, थोड़ा सा 20% अभी गाड़ी मेरी गियर में एक्टिव है, 20% गाड़ी मेरी गियर में एक्टिव है तभी ये रुक पा रही है। अगर एक्टिव नहीं होती तो देखो, ये देखो मैंने पूरा क्लच छोड़ा, गाड़ी पीछे जाने लगी और पीछे मेरे एक बंदा है जो झाड़ू मार रहा है रोड पे, ये मैंने क्लच को वापस रिलीज कर दिया। अब ये जो मेरा क्लच है ये ब्रेक का काम कर रहा है, मैंने जो 20% क्लच छोड़ा, अगर यही प्लेन रोड पे गाड़ी होती ना तो गाड़ी अब तक की मेरी चल रही होती, ये जो गाड़ी होल्ड है ना होल्ड नहीं होती। तो हमें क्लच को समझना है कि क्लच का एक्चुअल में काम होता क्या है। अभी मैंने क्लच को 30-40% रिलीज कर दिया है, अब आप देखेंगे तो मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया है, पूरा क्लच मैंने यहां से रिलीज कर दिया, वापस मैंने फिर क्लच दबा लिया है,
ये देखो, फिर मैंने पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया, लेकिन ब्रेक नहीं लूंगा क्योंकि मैं बिना ब्रेक के आपको इसको चला के दिखाऊंगा। देख रहे हैं ये चीज, फिर गाड़ी मेरी होल्ड हो गई है, मैंने कोई ब्रेक यूज नहीं किया है और ना ही हैंड ब्रेक यूज किया। देख सकते हैं हैंड ब्रेक अनलॉक है, ना इसमें कोई हैंड ब्रेक की लाइट ऑन आ रही है। अब फिर मैंने क्लच को रिलीज किया है 20-30% क्लच को, इंजन वाइब्रेट कर रहा है बिना एक्सेलेटर बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है। फिर मैंने क्लच ले लिया, अभी मैंने पूरा क्लच दबाया, अब मैं पूरा क्लच दबाऊंगा तो गाड़ी मेरी पीछे जा रही है। ये देखो पीछे जा रही है क्योंकि ढलान बहुत ज्यादा है और कितनी तेजी से पीछे जा रही है, बट मुझे इसको कंट्रोल करना है। अब मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज करा, क्लच मेरा ब्रेक का काम कर रहा है। ये देखो गाड़ी रुक गई, स्टॉप हो गई गाड़ी, कोई ब्रेक यूज नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने फिर क्लच को रिलीज किया थोड़ा सा, गाड़ी वापस फिर बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे बताने का बस सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोग जो ये फ्लाईओवर पे ब्रेक यूज करते हो या एक्सेलेटर यूज करते हो, तो आप बिना ब्रेक के और बिना एक्सेलेटर के भी कार को चला सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने क्लच को 1, 2, 3, 4, 5 करके जैसे हम काउंटिंग करते हैं उसी तरीके से इसके कमांड को समझना है। अभी मैंने पूरा क्लच ले लिया, गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से फ्री हो गया, गाड़ी वापस पीछे जा रही है। देख रहे हैं आप, गाड़ी वापस पीछे जा रही है और तेजी से भाग रही है क्योंकि मैंने फुल क्लच दबाया तो यहाँ इंजन फ्री हो गया। मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया है, धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज किया, गाड़ी में ब्रेक का काम क्लच कर रहा है, गाड़ी स्टॉप हो गई क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर में है और गाड़ी बैक जा रही थी। तो जब मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया तो धीरे धीरे गाड़ी गियर में एक्टिव होने लगी, तो वो अभी गियर में 20-30% एक्टिव हो चुकी है और गाड़ी वापस रुकी है, होल्ड कर दिया मैंने। अब मैंने धीरे से क्लच को रिलीज किया, एडी मेरी नीचे टच है, हल्का सा मैंने क्लच रिलीज किया और गाड़ी मेरी वापस बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पे पूरा क्लच छोड़ दिया है, देख रहे हैं आप गाड़ी चल रही पूरी तरीके से गियर में एक्टिव है। अब मुझे क्या करना है, इस गाड़ी को वापस रोकना है, स्टॉप करना है बिना ब्रेक के। मैंने फिर पूरा क्लच दबा लिया, यहां से गाड़ी मेरी रुक गई, बट गाड़ी पीछे जाने से पहले मैं क्लच को फिर होल्ड में ले आऊंगा। ये देखो गाड़ी मेरी पीछे जाने से पहले मैंने क्लच को पूरा दबाने के बाद थोड़ा रिलीज कर दिया, अब गाड़ी मेरी फिर गियर में एक्टिव हो गई है, समझ रहे हैं ये, बट पीछे नहीं जा रही, पीछे मैं जाने नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने इसको होल्ड कर रखा है। ये अब वापस मैंने धीरे से क्लच को रिलीज किया, थोड़ा सा गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई वापस। देख रहे मैंने अभी तक एक बार भी ब्रेक को दोस्तों नहीं यूज किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं और लगभग मैं 300-400 meters फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुका हूं, मैं 300-400 meters में फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुका हूं और बिना एक्सेलेटर और बिना ब्रेक के। देख रहे हैं, तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है दोस्तों कि अगर आपकी तगड़ी वाली कमांड क्लच पे है तो आप चाहे जितना ऊंचा स्लोपिंग हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहते हैं कि बिना एक्सेलेटर के कार मूव नहीं होती है, मेरी गाड़ी में कोई एक्सेलेटर सेट नहीं है और ना किसी गाड़ी में सेट होता है, बस किसी किसी गाड़ी में आरपीएम हल्का बढ़ा दिया जाता है, बट वो अगर करोगे आप तो गाड़ी आपकी माइलेज कम देगी, तो ऐसा आप कभी भी मत करना। अभी मैंने गाड़ी को रोका, पूरा क्लच ले लिया और धीरे से गाड़ी स्लो हो गई, देख रहे गाड़ी मेरी खड़ी हो गई है, पीछे नहीं जा रही, मैंने होल्ड कर दिया उतने पे, इसको होल्ड कर दिया है क्योंकि मैंने पूरा क्लच नहीं दबाया, अगर मैं पूरा क्लच दबाता तो गाड़ी मेरी पीछे जा रही होती क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया। अभी मैंने 20% क्लच को होल्ड पे रखा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा इंजन कह रहा है कि वो 20% गाड़ी गियर में एक्टिव है। अभी मैंने 25% कर दिया तो गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं आप मेरा राइट वाला पैर ही ब्रेक पे नहीं है, तो गाड़ी रुक कैसे रही है। फिर वापस मैंने पूरा क्लच दबा लिया, गाड़ी बैक होने से पहले मैंने वापस फिर क्लच को एक्टिव कर दिया, ये गाड़ी ब्रेक का काम कर रही है, देख रहे हैं आप गाड़ी ब्रेक का काम कर रही है। फिर मैंने थोड़ा सा क्लच को रिलीज किया, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिले होंगे स्लोपिंग के, बट ये वीडियो ऐसा आपको पहला वीडियो मिलेगा जिसमें आप बिना ब्रेक के बिना एक्सेलेटर के पूरे फ्लाईओवर को मैं आपको क्रॉस करके दिखा दूंगा। अभी फिर मैंने पूरा क्लच ले लिया, गाड़ी रुक गई, फिर गाड़ी बैक होने से पहले मैंने थोड़ा सा क्लच को रिलीज किया तो वो ब्रेक का काम करने लगा। गियर जब एक्टिव हो जाता है तो गाड़ी ढलान पे है तो वो पीछे नहीं जाने देगा। फिर धीरे से मैंने क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, पूरा क्लच छोड़ दिया, गाड़ी बढ़नी पूरी तरीके से गाड़ी गियर में। सबसे ताकतवर गियर जो होता है दोस्तों वो होता है फर्स्ट और बैक गियर में गाड़ी को आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव कर सकते हो। अगर गाड़ी में 4-5 लोग बैठे भी हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्लच को समझना सबसे जरूरी है, कार सीखने के लिए हमें ब्रेक की जरूरत नहीं, हमको क्लच कंट्रोल करने, लोग कार को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, हमें इंजन को कंट्रोल करना सीखना है।
अभी ये प्लेन रोड आ गया है। तो दोस्तों अब हम पूरे फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुके हैं, आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा उसमें कि कहां से मैंने स्टार्ट करा था और कहां तक मैं आ गया, और अभी तक मैंने ब्रेक पे पैर नहीं रखा है। गाड़ी मेरी बिना एक्सीलेटर और विदाउट ब्रेक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ चुकी है। अब मैं आपको इसको बैक में ले जाके दिखाता हूं कि बैक कितना ज्यादा ये ऊपर चढ़ चुकी थी, और इसी की प्रैक्टिस मैं आपको आपको भी करके दिखा दे रहा हूं। पूरा क्लच मैंने दबाया, गाड़ी रुक गई। अब ये गाड़ी मेरी पीछे जा रही है धीरे धीरे, देख रहे हैं मैंने ब्रेक नहीं लिया है, ये पीछे जा रही धीरे धीरे। बस मैं अपना लेफ्ट और राइट वाला मिरर चेक कर रहा हूं, ये धीरे धीरे गाड़ी मेरी पीछे जा रही है। इतना ज्यादा ढलान है कि गाड़ी देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्सीलेटर दे रहा हूं, बट मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं दिया है। बस इसको फिर मैं स्टॉप कर रहा हूं, क्लच से ही कंट्रोल कर रहा हूं, क्लच से ही, ब्रेक नहीं लिया। देखो गाड़ी स्टॉप हो गई, इतनी तेज भाग रही थी फिर भी स्टॉप हो गई। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि ये इजिली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं। और जिसको बोलते हैं ये जो पैटर्न है जो मैंने आपको बताया, विदाउट हैंड ब्रेक, विदाउट एक्सीलेटर, विदाउट फुट ब्रेक, इन तीनों के बगैर आप गाड़ी को स्लोपिंग पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीलेटर लूंगा क्योंकि यहाँ पे अब रास्ता प्लेन आ चुका है। अब मैंने हल्का एक्सीलेटर ले लिया है क्योंकि अभी मुझे एक प्रैक्टिस और आपको करके दिखानी है। तो ये तरीका जो है आप लोग आजमा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्लच और ब्रेक को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।